हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेस्टी टेस्टी बाइट। मैं हूँ श्रद्धा चौकसे। आज हम बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसे हम घर पर बहुत ही इजीली बना सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे ज़्यादा बना के एक महीने तक फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आप चाट पकौड़े भेल समोसे बनाएं तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाना। उसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम इमली। इसके मैंने बीजे निकाल के 3 घंटे पहले इसको भिगो कर रख दिया था। आधा कप लेंगे हम चीनी, 300 ग्राम हम लेंगे गुड़, गुड़ ये देसी गुड़ है, आधा चम्मच हम लेंगे जीरा, आधा चम्मच हम लेंगे सौंफ, थोड़ी सी हम लेंगे हींग, नमक भी हम बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे इसमें, लाल मिर्च पाउडर लेंगे बिल्कुल 3/4 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी लेंगे 3/4 स्पून। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसको हम हाथों की हेल्प से इस तरह से इसका पल्प निकाल लेंगे। ये इमली भी मेरी घर की इमली है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ग्राइंड कर लेंगे हम इसको। हमको इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाकर रेडी करना है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और जो हमने इमली का पल्प बनाकर रेडी किया है अब हम उसको ऐड कर देंगे जार में। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और वो भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं और एक स्पून की हेल्प से हम इसे को पूरे अच्छे से छान लेंगे जिससे इसका पल्प अच्छे से निकल जाए और इसमें जितने भी रेशेज़ हैं वो उसको हम अलग कर देंगे। अगर चटनी में रेशेज़ मुँह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। देखिए मैंने पल्प बनाकर एकदम रेडी कर लिया है। हमें इसी तरह का पल्प बनाकर रेडी करना है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे। एक पैन लेंगे, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ हम ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल कम रखेंगे, ऑयल गरम हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें, हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे कुछ सेकंड्स के लिए ही भूनना है जिससे हमारा जो मसाला है मसाले का टेस्ट आ जाए। अब हम इसमें जो हमने पल्प बनाकर रखा था वो ऐड कर देंगे। अब हम इसी टाइम पर इसमें गुड़ डाल देंगे और चीनी डाल देंगे। यहाँ गुड़ और चीनी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे 10 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो गए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसी टाइम पे हम खजूर डाल देंगे यहाँ पर। यहाँ खजूर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने खजूर के बीजे निकाल के और इसको कट कर लिया है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट तक फिर से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जिससे जो खजूर है हमारे अच्छे से बॉईल हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं। देखिए हमारे खजूर भी पक गए हैं। इसमें हमारी इमली की चटनी बनकर एकदम रेडी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इमली की चटनी जो है ठंडी होने के बाद और थिक होती है, गाढ़ी होती है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे एक बाउल में। हमें इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से रखनी है। इसको आप एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। देखिए एकदम मार्केट जैसी इमली की चटनी बनकर रेडी है। आप इसे कोई भी चाट या स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।